राहुल इन दिनों बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और इसका जो नुकसान है वो टीम इंडिया को हो रहा है, क्योंकि केएल राहुल को एक बहुत ही अहम पायदान पे उतारा जाता है। केएल राहुल को फिनिशर के तौर पे उतारा जाता है ताकि केएल राहुल आए और अच्छे खासे रन बनाएं। केएल राहुल को उस वक्त के लिए रखा गया है जहां इंडिया को रन की ज़रूरत हो और केएल राहुल आके वहां रन बना के चल जाएं। लेकिन केएल राहुल जो है ऐसा कारनामा नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबला हुआ जिसमें से दोनों इनिंग्स में जो है केएल राहुल फेल हो गए, क्योंकि पहले इनिंग में केएल राहुल जो है वो 0 रन पर आउट हो गए, वहीं दूसरे रन में भी केएल राहुल की बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही। केएल राहुल लगभग 4 इनिंग में, पिछले 4 टेस्ट इनिंग में भी जो मुकाबला चल रहा है रिसेंटली, उसमें से 1 अर्धशतक जो है केएल राहुल के बल्ले से आया है। और केएल राहुल जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं, इनसे उम्मीद किया जा रहा है कि केएल राहुल आएँ और अच्छे खासे रन बनाएं, कम से कम 70-80 रन 100 रन जो है वो केएल राहुल टीम इंडिया के लिए जोड़ें, क्योंकि लगातार इनको मौका दिया जा रहा है। क्योंकि केएल राहुल जो है एक बहुत ही अच्छे और शानदार बल्लेबाज हैं, जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत सारे रन बनाते हैं, इसलिए रोहित शर्मा जो है इनको बार बार मौका दे रहे हैं ताकि केएल राहुल जो है अब खुद को प्रूव कर पाए और अच्छे खासे रन बना पाए। क्योंकि टीम इंडिया को अभी रन की ज़रूरत है, रन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अभी सामने WTC है और टीम इंडिया जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जितना मुकाबला जीतेगी, उस प्रकार से WTC टीम इंडिया के लिए उतना ईजी हो जाएगा, उतना आसान हो जाएगा WTC में पहुंचना, WTC में क्वालिफाई करना, क्योंकि लगातार जो है टीम इंडिया WTC के लिए जो है वो मेहनत कर रही है। और जो मुकाबला हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है, उसमें से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है सरफराज खान का रहता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ऋषभ पंत का रहता है, रोहित शर्मा भी 8 शतक की पारी खेल हैं, यहां तक कि विराट कोहली भी जो है 70 रन की पारी खेलते हैं। लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज हैं वो चूक जाते हैं, जैसे कि केएल राहुल जो है फर्स्ट इनिंग में 0 पे आउट हो जाते हैं, उसके बाद जो है केएल राहुल नहीं चलते हैं, ना ही रविंद्र जडेजा चलते हैं, ना ही रविचंद्रन अश्विन चलते हैं। अगर ये 3 बल्लेबाज चल जाते तो पहला जो मुकाबला है या तो ड्रॉ हो जाता है या फिर टीम इंडिया के पक्ष में नतीजा चल जाता है, क्योंकि पहला इनिंग जो है फर्स्ट इनिंग टीम इंडिया का मात्र 46 रन में सिमट गया था। उसके बाद भी टीम इंडिया ने दूसरे इनिंग में 462 रन बनाया और गजब का कमबैक किया। और वहीं अगर केएल राहुल टिक जाते और साथ में जडेजा अश्विन तीनों अगर अच्छे बल्लेबाजी कर लेते तो जो मुकाबला होता 462 की जगह आप लोग 600 रन भी देखते, 700 भी रन देखते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सामने जो है बल्लेबाज जो है ऋषभ पंत के बाद जो बल्लेबाज हैं वो बल्लेबाज चले नहीं, उसके बाद रन नहीं बना। वैसे केएल राहुल जो है अभी फिलहाल तो इनको मौका दिया जाएगा, आगे भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, ताकि अपने पारी को कमबैक कर सके और खुद को प्रूव कर सके, अपने फॉर्म को वापस ला सके, इसलिए अभी केएल राहुल को खिलाया जाएगा। लेकिन WTC में केएल राहुल खेलेंगे या नहीं अभी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है अगर और 2 मुकाबले बचे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा। अगर इन सारे मुकाबले में केएल राहुल खुद को प्रूव करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो आगे WTC में भी केएल राहुल को मौका दिया जाएगा।